गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ 24th of January 2022 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। सो फ्रेंड, जैसा कि आपको पता है, करंट अफेयर्स से पहले रिवीजन का अपना सेशन होगा, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपने करंट अफेयर्स को। सो फर्स्ट क्वेश्चन है आज के रिवीजन का कि भारत की पहली डिजिटल न्याय घड़ी किस राज्य के हाईकोर्ट में लगी है। तो फ्रेंड्स, ये जो गुजरात हाईकोर्ट है वो न्याय घड़ी लगाने वाला ऐसा पहला देश का राज्य बन गया है जहां पर अदालत परिसर के भीतर एक बाहरी डिस्प्ले एलईडी दीवार होगी जो मामलों के निपटान और लंबित मामलों आदि को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय किसान उर्वरक सहकारी यानी इफको के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो फ्रेंड्स, दिलीप संघानी जो हैं वो इफको के नए अध्यक्ष बने हैं। और फ्रेंड, जो दिलीप संघानी है वो बलविंदर सिंह नकई की जगह लेंगे। इफको जिसका फुल फॉर्म है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर को ऑपरेटिव और इसका हेडक्वार्टर फ्रेंड न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी HAL ने उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर ALH MK3 के निर्यात के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। तो ये किया है फ्रेंड समझौता मॉरिशस के साथ। फ्रेंड, HAL जिसका फुल फॉर्म है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, जिसकी स्थापना हुई थी 23 दिसंबर 1940 को और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस यानी OUP ने किस शब्द को वर्ष 2021 का चिल्ड्रन वर्ड ऑफ द ईयर चुना है। तो फ्रेंड्स, ये चुना है एनेक्साइटी को, एनेक्साइटी जिसका अर्थ होता है चिंता। तो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय रक्षा बल ने ऑपरेशन सर्द हवा को शुरू किया है। तो ये शुरू किया गया है फ्रेंड्स आपका BSF के द्वारा, उसने सर्द हवा को शुरू किया है। इस ऑपरेशन के तहत भारत ने पाकिस्तान बॉर्डर पर चौकसी बढ़ा दी है और यह मुख्यतः राजस्थान के जैसलमेर क्षेत्र में सक्रिय रहती है। ऑपरेशन सर्द हवा जो है फ्रेंड्स वो सर्दियों के दौरान, और ऑपरेशन गर्म हवा जो है वो गर्मियों के दौरान आयोजित किया जाता है। ये ऑपरेशन जो है वो सीमाओं में घुसपैठ को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेनेसिस प्राइज 2022 से किसे सम्मानित किया गया है। तो फ्रेंड्स, अल्बर्ट वोडला जो है उन्हें जेनेसिस प्राइज 2022 से सम्मानित किया गया है। फ्रेंड, जेनेसिस प्राइज दिया किसको जाता है। तो ये एक यहूदी लोगों को दिया जाने वाला $1 मिलियन का वार्षिक पुरस्कार है जिन्होंने अपनी उपलब्धियों, मानवता में योगदान और यहूदी मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता की मान्यता में महत्वपूर्ण व्यावसायिक सफलता हासिल की है, उसे यह प्राइज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने Arrow 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। तो फ्रेंड, इसराइल ने Arrow 3 मिसाइल का सफल परीक्षण किया है और इस परीक्षण का जो नेतृत्व है वो इसराइल Aerospace इंडस्ट्रीज IAI ने किया है और इसे पृथ्वी के वायुमंडल के बाहर बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सैटर्निनो डे ला फुएंते गार्सिया का 113 वर्ष की आयु में निधन हो गया है, ये कौन थे। तो फ्रेंड्स, ये दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनका निधन हो गया है। नेक्स्ट है, कारगिल युद्ध के नायक कैप्टन विक्रम बत्रा की प्रतिमा का अनावरण भारतीय सेना द्वारा कहाँ किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये किया गया है हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में और सेना के अधिकारियों ने यह जानकारी दी है कि उन्होंने कहा है कि कैप्टन बत्रा के गृहनगर में उनकी प्रतिमा का अनावरण करने से आने वाली पीढ़ियों को प्रेरणा मिलेगी। नाउ फ्रेंड्स, अब हम अपने नए दिन की शुरुआत करेंगे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के साथ। सो फ्रेंड, फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, 2020 में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता कौन है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, नरेंद्र मोदी जो है वो 2022 में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में सबसे लोकप्रिय नेता बने हैं। और फ्रेंड, पसंदीदा नेताओं की सूची में करीब 71% रेटिंग के साथ उनका नाम जो है वो सबसे ऊपर है। और मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस की विश्व के 13 नेताओं की सूची में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन जो है उनका स्थान छठा है और उन्हें 43% रेटिंग मिली है। टॉप 3 नेताओं के नाम है फ्रेंड्स, फर्स्ट पे है नरेंद्र मोदी जो भारत के PM है, और एंड्रेस मैनुएल लोपेज ओब्रादोर जो है मेक्सिको के राष्ट्रपति हैं, और मारियो ड्रागी जो है वो इटली के प्रधानमंत्री हैं। रिपोर्ट के जारी करता है मॉर्निंग कंसल्ट।
फ्रेंड टॉप फाइव जो क्विक रिवीजन है उनका रिवीजन करते हैं फटाफट। तो फर्स्ट है यहाँ पे अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ यानी कि FIS 2021 द्वारा जारी महिलाओं की रैंकिंग में भारत किस स्थान पर रहा है। तो मैं फ्रेंड्स ये रहा है भारत 9वें स्थान पे और शीर्ष पे रहा है नीदरलैंड। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ FIS 2021 द्वारा जारी पुरुषों की रैंकिंग में भारत रहा है फ्रेंड तीसरे स्थान पर और शीर्ष देश पे रहा है ऑस्ट्रेलिया। वाडा द्वारा 2021 में जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े डोपिंग उल्लंघनकर्ताओं की सूची में भारत का स्थान है तीसरा और शीर्ष देश पे रहा है रूस। हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट की तरफ से जारी यूनिकॉर्न कंपनियां खड़ी करने की लिस्ट में जो भारत है वो तीसरे स्थान पर रहा है फ्रेंड्स और अमेरिका जो है वो रहा है शीर्ष पे। नेक्स्ट है विश्व प्रतिभा रैंकिंग रिपोर्ट 2021 में भारत 56वें स्थान पर रहा है और फर्स्ट पे रहा है स्विट्जरलैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है शेयर बाजार में धोखे से बचने के लिए साथी मोबाइल ऐप को किसने लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया गया है फ्रेंड्स आपका सेबी के द्वारा। मोबाइल फोन के जरिए शेयर कारोबार के बढ़ते चलन के बीच बाजार नियामक सेबी ने अपना एक मोबाइल ऐप साथी पेश किया है और इस पहल का मकसद ये है कि निवेशकों को प्रतिभूति बाजार की बुनियादी बातों से अवगत कराना है। फ्रेंड्स सेबी भारत में जितने भी शेयर मार्केट हैं जैसे NSE यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इस सबको सेबी रेगुलेट करता है जिसका फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय रिपोर्ट। इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 को और मुख्यालय है मुंबई में। अध्यक्ष का नाम है अजय त्यागी। फ्रेंड टॉप फाइव जो भारत का पहला रहा है उसको देखते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे भारत का पहला ई मछली बाजार ऐप जो है फिश वाले को लॉन्च किया गया है असम के द्वारा और प्रगति मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है भारतीय जीवन बीमा निगम ने। फिट इंडिया मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है फ्रेंड्स अनुराग ठाकुर ने और किस राज्य या यूटी की सरकार ने प्रूफ ऐप को लॉन्च किया है तो जम्मू कश्मीर ने। नेक्स्ट है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई नगर मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है तो गुजरात ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय राजमार्ग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं। तो ये बने हैं फ्रेंड्स आपका चंचल कुमार जो है वो इसके चेयर नए प्रबंध निदेशक बने हैं। चंचल कुमार को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग एवं इंफ्रास्ट्रक्चर विकास निगम लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती पर भव्य प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी इंडिया गेट पे उनकी भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। फ्रेंड ग्रेनाइट से बनी ये मूर्ति जो है वो देश के स्वतंत्रता संग्राम में नेताजी के अपार योगदान के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि होगी। इस प्रतिमा का जो काम है पूरा होने तक नेताजी की होलोग्राम प्रतिमा उसी स्थान पर मौजूद रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अभिनेत्री को इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग वुमेन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी सुष्मिता सेन को। फ्रेंड्स साल 1994 में मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली भारतीय जो थी जिनका नाम था सुष्मिता सेन उनके सो आर्या 2 के लिए इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ वर्किंग से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार जो है फ्रेंड्स वो DC साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। फ्रेंड टॉप फाइव पुरस्कार से जो रिलेटेड क्वेश्चन है उनका क्विक रिवीजन करते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाली पहली भारतीय महिला बनी है कृति करंत और नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है रुमाना सिन्हा सहगल को। नेक्स्ट है फ्रेंड्स ऑस्कर अवार्ड 2021 में बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड दिया गया है क्लोए झाओ को और सर रिचर्ड हेडली अवार्ड से सम्मानित किया गया है फ्रेंड्स केन विलियमसन को और छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दूती चंद को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 जनवरी 2022 को त्रिपुरा मणिपुर और मेघालय तीनों अपना एक साथ स्थापना दिवस मनाते हैं तो इन्होंने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 50वां स्थापना दिवस इन्होंने मनाया है और 21 जनवरी 1972 को फ्रेंड्स इन राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। टॉप राज्यों के जो स्थापना दिवस है उनका रिवीजन करते हैं। तो अरुणाचल प्रदेश की स्थापना हुई थी 20 फरवरी 1987 को, आंध्र प्रदेश की स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 1 नवंबर 1956 को और बिहार की स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912 को और छत्तीसगढ़ की स्थापना हुई थी 1 नवंबर 2000 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है
2021 के दौरान भारत की जलवायु पर वक्तव्य रिपोर्ट को किसने जारी किया है? तो ये जारी किया गया है फ्रेंड्स आपका भारत मौसम विज्ञान विभाग के द्वारा। फ्रेंड भारत मौसम विज्ञान विभाग जो है IMD ने 14 जनवरी 2022 को 2021 के दौरान भारत की जलवायु पर वक्तव्य जारी किया है और वर्ष 2021 में भारत में 1901 के बाद से पांचवा सबसे गर्म वर्ष रहा है, जिसमें देश का वार्षिक औसत जो रहा है फ्रेंड्स वो है वायु तापमान सामान्य से 0.44 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया गया है। फ्रेंड्स आपको ये भी बता दूं कि वर्ष 2021 के दौरान जो बाढ़, चक्रवाती तूफान, भारी बारिश, भूस्खलन, बिजली गिरने से जैसी चरम मौसमी घटनाओं के कारण देश में लगभग 1750 लोगों की मौत हुई है। फ्रेंड टॉप 5 जो रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको देखते हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पे विश्व मलेरिया रिपोर्ट 2021 को जारी किया गया है WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा, और विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 को जारी किया है फ्रेंड वर्ल्ड इनइक्वेलिटी लैब WEL के द्वारा। नेक्स्ट है वित्तीय समावेशन सूचकांक को जारी किया है भारतीय रिजर्व बैंक ने, और रिन्यूएबल्स इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021 को लॉन्च किया है फ्रेंड्स इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी नीति आयोग ने। नेक्स्ट है इंडिया इनइक्वेलिटी रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है ऑक्सफैम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बारबाडोस की फिर से प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए अमोर मोटली जो है वो बारबाडोस की फिर से प्रधानमंत्री बनी है और यह लेबर पार्टी से है। बारबाडोस की राजधानी है फ्रेंड ब्रिजटाउन और मुद्रा है यहाँ की बारबाडोस डॉलर। राष्ट्रपति का नाम है डेम सेंड्रा मेशन। फ्रेंड टॉप 5 जो प्रधानमंत्री रहे हैं उनका रिविजन करते हैं। तो चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री बने हैं पेट फियाला। शेख सबा अल खालिद अल सबा जो है वो कुवैत के नए प्रधानमंत्री बने हैं, और अब्दुल्ला हामडोक जो है फ्रेंड्स वो सूडान के फिर से प्रधानमंत्री बने हैं। जोनास गहर स्टोर जो है वो नॉर्वे के प्रधानमंत्री बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिसेस वर्ल्ड 2022 प्रतियोगिता में सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय पोशाक का पुरस्कार किसने जीता है? इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए नवदीप कौर ने इस अवार्ड को जीता है, और नवदीप जो है वो उड़ीसा के स्टील सिटी राउरकेला के पास एक छोटे से शहर से हैं और इन्होंने मिसेज वर्ल्ड 2022 साइलेंट वोट जीता है। लास्ट क्वेश्चन है आज का महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा पुस्तक का विमोचन किया है, इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो ये लिखा गया है फ्रेंड्स आपका ऑप्शन नंबर सी उपयुक्त दोनों यानी कि तुहिन ए सिन्हा और अंकिता के वर्मा के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। फ्रेंड्स आज का टेस्ट क्वेश्चन है हमारा कि RBI ने किसे यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक का अध्यक्ष चुना है? तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर है वो आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करिएगा, और फ्रेंड्स प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और शेयर करिए, और आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे ज़रूर बताइए। थैंक यू।